हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है ट्यूसडे और आज की सुबह शुरू हो रही है पुरी धाम से। तो हम आ गए हैं जगन्नाथ पुरी और ये है, मैं अभी होटल के बालकनी में खड़ी हूँ रेडी वेडी होके। अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह पूजा देने के लिए। सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे तो वहीं से मैं आपको अब बाकी मैं दिखाती हूँ आपको। मंदिर में जाके मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा रूम और यहाँ पे मैंने पहले तैयारी कर दी थी वेद को खाने वाने की। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो वेद का हो गया है टिफिन पूरा, सब कुछ कंप्लीट। साथ में सीजुनी ने भी मैगी खा ली, वेद ने सूजी खा लिया है और वेद के लिए हमने दोपहर का खाना भी बना लिया है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। रूम हमने नॉमिनल रूम लिया है क्योंकि ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि मम्मी मैं और वेद ही है तो हम एक रूम में हम लोग सेट हो जाएंगे। और बाकी सीजोनी है, शोमा लोग हैं, वो लोग एक रूम में सेट हो जाएंगे। तो बस बहुत अच्छा व्यू है, मैं आपको बाद में रूम टूर का व्लॉग दूंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे हमने एक ऑटो बुक कर ली थी जगन्नाथ टेम्पल जाने के लिए। ये यहाँ की लोकल व्हीकल है, वही हमने बुक करी है। ये लोग सब पीछे बैठे, मैं इधर भैया के बाजू में सामने। वेदर इतना अच्छा है, मैंने बिल्कुल भी धूप नहीं है, छाए छाई है, बादल छाए हुए हैं। बहुत ही अच्छे वेदर मिला है आज हमको, ना गर्मी ना कुछ, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और मज़ा भी आ रहा है जाने में। अब यहाँ पे हम मंदिर चतुर के पास घुस गए हैं, तो यहीं से ही वो भैया हमें ऑटो वाले जो छोड़ देंगे। इसके बाद हमें जाना है पैदल ही, तो पैदल हम जा रहे थे और जाते समय हमने एक पंडित जी यहाँ पे बुक कर लिया था। मैंने हमारे से पहले जो हमारे कोई जान पहचान वाले आए थे उन्हीं से ही हमने उनका नंबर लिया था, तो उनसे हमने पूजा करवाई थी। क्योंकि अंदर जाने के बाद ना मैंने इतना परेशान कर देते हैं जो पंडित जी है, बोलना नहीं चाहिए, भगवान का दरबार है पर बहुत परेशान करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ छू लो तो बस आपने उसके लिए आपको पे करना है। तो पहले से ये पंडित जी हमें अवेयर कर रहे थे कि आपने ये नहीं करना है, चुपचाप आप जहाँ जहाँ मैं लेके जाऊँ आप वहीं चलिए। और ये देखिए मंदिर आपको दिख रहा होगा, इसके बाद मैं आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। और जो पंडित जी हमने बाहर से बुक किया था वो पंडित जी के पास ही हमने अपना मोबाइल वॉलेट बैग चप्पल जो भी है उनके घर में रख दिया था। साइड में उनका एक छोटा सा घर है। तो मंदिर में दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए थे पर जो हमने चढ़ावा लिया था वो कहाँ पूजा हुई क्या हुई हमारे सामने तो हुई नहीं, तो ये मुझे पता नहीं है। हम जब पूरा मंदिर उनके साथ घूमकर आ गए उन्होंने फिर वो चढ़ावा हमारे हाथ में दे दिया, बोले ये रहा आपकी पूजा हो गई है। तो ये भी बहुत खराब लगता है कि हम दे रहे हैं तो हमारे सामने भगवान को चढ़ाया जाए, तो वो भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब पूजा वूजा करके हम लोग यहाँ पे सब फोटो खींच रहे थे। और आपको दिख रहा होगा यहाँ बहुत हवा चल रही है और मौसम मैंने बारिश आ ही रही है, टिप 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 ऐसे बारिश पड़ी रही है। तो अब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे होटल और होटल में थोड़ा चेंज अप कर लेंगे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाकी दूसरी पूरी में जो जो चीज़ें हैं साइट सीइंग है वो सब देखने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बादल कैसा हो रहा है और यहाँ पे ये बारिश की बूंदें पड़ रही है। तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, चेंज अप कर लिया था हमने, गाड़ी में निकल गए हम लोग। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं चंद्रभागा बीच की तरफ सबसे पहले। और ये ग्रीनरी और ये जो फॉरेस्ट दिख रहा है ये पूरा डियर से भरा हुआ है ये फॉरेस्ट। और अब हम आ गए थे बीच की तरफ, यह है चंद्रभागा बीच। बहुत अच्छा लग रहा था पर मौसम ने पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरा प्लान चौपट हो गया उस दिन हमारा। समुद्र की लहरें इतनी मस्त लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही मौसम अच्छा था। बीच बीच में बारिश रुक जा रही थी, जब हम इस बीच पे आए एकदम ही बारिश नहीं थी। सब कुछ अच्छा था पर क्या कर सकते हैं।
तो अब हम लोग वापस यहाँ पे 20 to 25 मिनट्स हमने स्पेंड किए और यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल की तरफ, वो भी घूमना था तो यहाँ पे और ज्यादा देर हम रुके नहीं। हम लोग आ गए अभी कोणार्क टेम्पल, ये इसका एंट्री है, यहाँ पे इसका एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करना है। और यहाँ पे हमें एक ये फूल का पेड़ दिख गया था, बहुत अच्छा फूल है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेदर ही अच्छा है इसलिए फूल भी अच्छे लग रहे हैं पेड़ में। बस ऐसे ही छाता पकड़ के ऐसे ही हमें घूमना पड़ रहा था इधर, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पर इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं थी, बूंद बूंद गिर रही थी, पर वेद है इसलिए। और बाय चांस मैं छाता लेकर आई थी धूप की वजह से, तो वो काम में आ गया। और यहाँ पे भी ये लोग बारिश हो रही है तो रेंट पे छतरी बेच ही रहे थे, पर तो भी खुद के पास था तो बच गए इस वजह से। हम लोग एंट्री करते ये म्यूजियम ऑडिटोरियम में आ गए है, यहाँ पे जेंट्स लेडीज का ये है गेट, मेटल डिटेक्टर यहाँ से जाकर। और अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कोणार्क टेम्पल के ये ऑडिटोरियम में। और यहाँ पे ये एंट्रेंस था, यहाँ पे आपने टिकट लेना था, टिकट लेके आप यहाँ पे टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। मैं कोणार्क मंदिर के अंदर जो है सन टेम्पल का जो मेन है एंट्रेंस वो ये है, यहीं से आपको टिकट लेके एंट्री करना है। यहाँ पे सबके पास ही आपको दिख रहा होगा कि छाता लेके, नहीं तो कोई छाया जगह देखकर खड़ा है, क्योंकि पूरी तरह बारिश ने सत्यानाश कर दिया है सबका। वेदर इतना अच्छा था, अगर बारिश नहीं होती ना तो बहुत अच्छे से सब लोग ही इंजॉय कर पाते, बट वो तो हो नहीं पाया। और मैं भी अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पे इतनी सारी बारिश थी कि मोबाइल ही मैं बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि वेद मेरे साथ है, गोद में है, तो हो ही नहीं पाया कि जे पूरी का ट्रिप मैं अच्छे से आपको दिखाऊं। ये आर्किटेक्चर कोणार्क मंदिर का बहुत ही अच्छा लग रहा है, अगर कभी आप आए तो जरूर देखिएगा, इतना फाइन आर्किटेक्ट है। और ये जो मेन अट्रैक्शन है, ये जो व्हील टाइम का जो व्हील है, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये जो है ये टाइम दिखाते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे का इसमें गैप रहता है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से हम निकल गए थे धौलीगिरी की तरफ। ये देखिए आप, दिख रहा होगा वेदर की, मैंने वेदर ने जो क्या हाल किया है पूरा, तो ये धौलीगिरी की तरफ हम निकल गए, यहाँ पहुंच गए थे हम। तो यहाँ पे धौलीगिरी में सबसे पहले एक शिव टेम्पल है और उसी के बाद ही पीछे बुद्धा टेम्पल है। तो पहले हम शिव टेम्पल में गए
वहाँ पे भगवान शिव के दर्शन किए और उसके बाद ही बुद्ध भगवान के दर्शन किए। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, ऊपर से साइट सीइंग बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है आप सबको दिखाने के लिए, बहुत सुंदर लग रहा था। ये फिर है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, तो यहाँ पे पहले सबने प्रणाम किए और फिर उसके बाद हम चले गए शिव भगवान के मंदिर की तरफ। ये है शिव मंदिर और यहाँ पे देखिए आप साइड सीन बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इतना ऊपर उठ के नीचे का नजारा तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और उससे पहले हुई थी बारिश तो इसके वजह से तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये मंदिर का एंट्रेंस, भोलेनाथ का मंदिर। और अब शिव भगवान के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं बुद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से भी पहले सीढ़ी नीचे उतरनी है आपको और फिर आप वापस ऊपर चढ़ना है ऊपर की तरफ। वहां पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो मंदिर बहुत ही अच्छा था। और वेद तो जहाँ पे सीढ़ी देखता है वो वहां पे गोद में रह ही नहीं रहा था, भले पानी हो या जो भी हो उसे सब जगह चढ़ना है। और यहाँ पे ये बहुत सारे ये थोड़े थोड़े पेंटिंग्स बनाए हुए थे या फिर कहानियों पे आधारित थे ये जो चित्र बनाए हुए हैं ये सब। और फिर वहां से निकल के हम वापस अपने होटल की तरफ आ गए। आज इतना ही था बस और कुछ नहीं, और मैं बाकी का आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी, दूसरे ब्लॉग में शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।